माता रची मुनि बोले कि श्री सत्यनारायण भगवान का ही सत्यदेव का प्रत्येक पूजन किया जाता है। भगवान जय नारद जी ने मनुष्य की भलाई के लिए तुमने आज अच्छी बात सीखे। जिस काम के करने से मनुष्य मोक्ष से छूट जाता है दुर्वतम प्रत्येह श्री सत्यनारायण सत्यदेव कहने लगते हैं मनोकामना का पूरा करने वाला उत्तम व्रत किया जाता है। ऐसे भगवान के वचन सुनकर ही नारद जी मुनि बोले क्या फल है क्या है विधि है किसने से व्रत को करना चाहिए ध्यान पूर्वक मुझसे कहो। भगवान कहते हैं जो सत्यनारायण भगवान का पूजन कराता है विधान पूर्वक विस्तार से अपनी कथा करावे धन से आदि से बुद्धि से बढ़ाने वाला है शोभा संतान को ये देने वाला है विजय करने वाला है श्रद्धा अनुसार किसी भी दिन शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं को बुलाकर घर में पालन पूजन करावे। पके हुए केले फल गेहूँ का आटा कुल सामग्री को लेकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। विशेष कलयुग में भूमि का सरल पाए बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय नर्मदा माए की जय। देखो एक बात है अपन इतने घने आए हैं तो जितने कर रहे हैं तो बोलो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय नर्मदा माए की जय। भगवान ने शरीर में कोई प्रकार की कमी तो नहीं दी तो कान नहीं है अपने ज्यादा परेशानी हो जाए स्वयं आदमी बकिया लगा तैयार है जय हमदा कर रहे बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय नारायण भगवान की जय। श्री सूची मुनि बोले हे मुनि ऋषियों जिसने पहले समय में इसी व्रत को किया इतिहास कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशी और पुरी नगरी उस काशीपुरी नगरी में एक मृगम ब्राह्मण रहता था। वो पर प्यास से वे अत्यंत पृथ्वी पर घूमता था। प्रेम करने वाले भगवान बूढ़े ब्राह्मण के पास पहुँचे वहाँ जाकर नमस्कार करते हैं हे राजन कौन सा उत्तम किया जाता है मैं भी उत्तम कोई करूँगा। ब्राह्मण ने आनंद से भगवान का मन में विचार करा कि हे प्रभु मेरे यहाँ पर सत्यनारायण सत्यदेव का पूजन करूँगा। ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आती है सवेरा हुआ स्नान ध्यान करने के बाद करीब बूढ़े ब्राह्मण सुंदर काशी नगरी को ब्राह्मण चला जाता है। सत्यनारायण भगवान की यहाँ पर कृपा हो जाती है। बूढ़े ब्राह्मण को पहले दोनों से भिक्षा में दूना दाम मिला दाम लेता है पके ओके फल गेहूँ का आटा ये शवाया लेकर अपने घर चला जाता है। भाव से परिवार को बुलाता है सत्यनारायण सत्यदेव का पूजन करूँगा। भाव से भगवान सत्यनारायण सत्यदेव की कृपा मनोकामना का पूरा करने वाला उस समय सत्यनारायण भगवान की सत्यदेव की कुल सामग्री को लेता है। परिवार को बुलाकर ही भगवान सत्यनारायण सत्यदेव का पूजन कराता हुआ बोला हे प्रभु मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूँगा। वहाँ से एक लकड़ियारा बाहर लकड़ी को रखकर ब्राह्मण के मकान में चला जाता है। वहाँ जाकर ही नमस्कार करता है हे राजन कौन सा है उत्तम व्रत किया जाता है मैं भी उत्तम व्रत को ही करूँगा। जाय नकार कामना का ये पूरा करने वाला है मान को ये बढ़ाने वाला है शोभा संतान को ये देने वाला है ईश्वर नारायण है। दोनों ने मन में ऐसा ही विचार करा राजन में भी श्री सत्यनारायण सत्यदेव का प्रत्येक पूजन किया जाता है मनोकामना का ये पूरा करने वाला है धन को ही बढ़ाने वाला है शोभा संतान को ही नारद जी मुनि बोले कि आज मैं सत्यनारायण सत्यदेव का पूजन करूंगा विस्तार से अपनी कथा कराऊंगा। उस समय लकड़ियारा आज बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में चला वहाँ लकड़ी नमस्कार करता हे प्रभु कौन सा उत्तम व्रत किया जाता है। दोनों से चौगना दाम मिला पके हुए केले फल गेहूं का आटा सब आया लिया मनोकामना का पूरा करने वाला है धन को ये बढ़ाने वाला है शोभा संतान को ये देने वाला ईश्वर नारायण है। ऐसा बताया गया जो भगवान सत्यनारायण सत्यदेव का पूजन कराता है वो बैकुंठ धाम को चला जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय नर्मदा माई की जय। काय भैया इतनी हो रही यार कथा नहीं बहुत झूठ बात को बात के अधिक भाई करने की ढूंढ मुझे कत रही है।
श्री सूत जी मुनि बोले है मुनियों में आगे की कथा सुनाता सुनो। अलंग नाम का एक बुद्धिमान राजा था, जितनता प्रति हिंदे वाला था। बदाशी नदी के किनारे पर आज सब मिलकर अपन नर्मदा जी के किनारे पर सत्यनारायण सत्यदेव का प्रत्येक पूजन किया जाता है। भाव से भगवान की पूजन कराना चाहिए। उलंग नाम का एक बुद्धिमान राजा था, जितनता प्रतिदिन देवता युद्ध करने वाला था। बदाशी नदी के किनारे पर इन दोनों ने सत्यनारायण सत्यदेव का प्रत्येक पूजन किया था। आज बाह्य समझियो संतान साते है उपासी रूप है, माने संतान साते को व्रत करत नहीं करना कराते सब कुछ कर हमारे घर ऐसी कराते हैं सब कुछ कराते और भाई संतान है। अपन सोच रहा है कि भगवान जब संतान बड़ी हो जाए ब्याह शादी हो जाए सब कार्य हो जाए और भाई संतान अपने एक गिलास पानी नहीं दे देऊ है नहीं जी है जब फागुन में ब्याह भाव बाप फागुन तक तो ब्यागल हो जाओ भाई हो जाओ तो नहीं उनको देर आगल हो जाओ है मानो संतान सूझ में संतान हो जाए। अरे संतान से अच्छी तो कन्या अच्छी देव कन्या माता पिता के लाने बहुत प्रेम देवत है मानो संतान आजकल की तो बस अब संतान के पीछे तो कष्ट उठ रहा है तो रहा है मानो भैया आगे संतान और थी आपकी संतान और है हम तो सेम बताऊ थे सात भावना पड़ जाए पर तुम भी संतान है ही नहीं है सही कह रहे हैं हम तो हो जाए गुरु महाराज और कहा है श्री सूत जी मुनि बोले हे मुनियो आज मैं आगे की कथा सुनाता हूँ सुनो। उलंग नाम का ऐसा नदी के किनारे पर दोनों ने श्री सत्यनारायण सत्यदेव का पूजन किया। उस समय एक साथ होया कृष्ण आकर विनय के साथ पूछता हुआ बोला हे राजन कौन सा उत्तम व्रत किया जाता है मैं भी उत्तम व्रत को ही करूँगा मनोकामनाओं का ये पूरा करने वाला है। अरे वो क्या भगा दो खड़े होकर भगा दो ऐसा मन में विचार तुम भगा दो मनोकामनाओं को ये पूरा करने वाला है धन को ये बढ़ाने वाला है शोभा संतान को ये देने वाला है ईश्वर नारायण दोनों ने मन में ऐसा ही विचार सत्यनारायण सत्यदेव का प्रत्येक पूजन किया जाता है। राजा बहुत प्रसन्न होता हुआ चला जाता है वहाँ जाकर श्री सत्यनारायण भगवान मनोकामना का ये पूरा करने वाला उत्तम जाकर सुंदर काशी नगरी में पहुंचा मनोकामना का पूरा करने वाला है। कलावती उन्हें मीठे शब्दों में भाव से अपने पति से बोले हे राजन तुम कहाँ चले जाते हो तुम्हारे मन में क्या है। कहा राजन मैं एक ब्राह्मण के मकान में चला जाता हूँ हाँ मैंने श्री सत्यनारायण सत्यदेव का पूजन देखा विधि और पूर्वक कथा सुनी है मनोकामनाओं का यह पूरा करने वाला है धन को ये बढ़ाने वाला है शोभा संतान को ये देने वाला ईश्वर नारायण भगवान की यहाँ पर कृपा हो गई। जब लीलावती बहुत प्रसन्न होती हुई सुंदर काशी नगरी में चले जाती है मनोकामना का ये पूरा करने वाला है धन को बढ़ाने वाला है शोभा संतान को ये देने वाला ईश्वर नारायण है। कलावती बहुत प्रसन्न होती हुई अपने घर आ जाती है साधु आनंद के साथ व्यापार करने चले जाते हैं। एक सुंदर कन्या का जन्म होया दिनों दिन स्त्री बढ़ती है शुक्ल पक्ष में चिंता पड़ता है कन्या का नाम मैंने कलावती रख दिया मनोकामना को ये पूरा करने वाला है धन को ये बढ़ाने वाला है शोभा संतान को ये देने वाला ईश्वर नारायण है। जब साधु व्यापार करने के बाद साधु अपने घर आया लीलावती आनंद के साथ अपने पति के पास पहुंची और पति को संतान देने वाला सभी समाचार सुनाने लगती। राजन आपके जाने के बाद पर एक सुंदर कन्या का जन्म हो गया दोनों दिन स्थिर बढ़ती है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पड़ता है कन्या का नाम कलावती रख दिया मनोकामना का पूरा करने वाला। जब लीलावती बहुत प्रसन्न होती हुई अपने पति के पास पहुँची पति को संतान देने वाला आनंद सभी समाचार सुनाने लगती है हे राजन आपके जाने के बाद पर एक सुंदर कन्या का जन्म हो गया है आज सब मिलकर सत्यनारायण सत्यदेव का पूजन कराना चाहिए मनोकामना कहे पूरा करता होगा विशेष कलयुग में भूमि का सरल उपाय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय नर्मदा माई की जय नर्मदा माई की जय।